वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों ऋषि सोनभद्र राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज चुर्क उत्तर प्रदेश का AKTU का सरकारी कॉलेज। अगर आप लोग जेई मेन के हिसाब से यहां पर एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी है। अभी जिन्होंने भी जेई मेन्स का एग्जाम दिया है वो काउंसलिंग करा के एकदम अच्छे से काउंसलिंग में आप लोग पार्टिसिपेट करिए और उसी के हिसाब से इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो इस कॉलेज में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि तीन ब्रांचेस हैं फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो ये तीन ब्रांचेज हैं, तीनों में 60-60 सीटें होती हैं जिसमें से 10% लेटरल एंट्री स्टूडेंट्स के सीट होते हैं। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बहुत ही अच्छे फैकल्टीज मिलेंगे, यहाँ की फैकल्टीज बहुत ही सपोर्टिव और बहुत ही नॉलेजफुल लोग हैं, IITs से हैं, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करते हैं, जो आपको हाईली क्वालिफाइड और आपको बेहतर नॉलेज और शिक्षा और अच्छे मार्गदर्शन की तरफ आपको प्रेरित करेंगे। तो दोस्तों मैं अगले चरण में बताना चाह रहा हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बातें। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी बहुत ही अच्छे खासे सभी लगभग फैकल्टीज मिल जाएंगे, एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, लैब से रिलेटेड, प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीज़ें आपको सारे ब्रांचों में बहुत ही अच्छी सुविधाएं यहाँ पर इस कॉलेज में आपको अवेलेबल है। मैं इसी कड़ी में बता रहा हूँ कि मैं भी फोर्थ ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, मेरा यहाँ 8वां सेमेस्टर चल रहा है। तो फ्रेंड्स हम सोचे कि आप सबको बीच आके अपने कॉलेज के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको अभी कॉलेज के बारे में मिलेंगे नहीं। तो जो भी हमारा एक्सपीरियंस है यहाँ 3 साल का, मैंने लेटरल एंट्री से यहाँ एडमिशन लिया है, तो उसी को मैं आपके समक्ष शेयर कर रहा हूँ। अब दोस्तों रही बात कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की, जो कि सबसे माना जाना ब्रांच है यहाँ का, जिसमें बच्चे एडमिशन लेने के लिए तरस जाते हैं और यहाँ की रैंकिंग बहुत ही हाई जाती है। मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा, अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लेने के लिए। लगभग 1 से 1.5 लाख के बीच आपका जनरल में रैंक रहेगा तो यहाँ पर एडमिशन होता है जेई मेन्स में। तो जेई मेन्स का शेड्यूल से यहाँ पर एडमिशन होता है फ्रेंड्स। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में भी बहुत अच्छी फैकल्टियाँ हैं, काफ़ी सपोर्टिव, तो रही बात दोस्तों कंप्यूटर साइंस की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस में इलेक्ट्रॉनिक्स आपको CS ब्रांच जो है यहाँ पर फैकल्टीज़ बहुत ही अच्छे मिलेंगे, काफ़ी सपोर्टिव, कम्युनिकेशन की भी बहुत अच्छे, और यहाँ पर प्लेसमेंट का रिकॉर्ड मैं बता दूँ तो प्लेसमेंट का रिकॉर्ड नॉर्मल ही है सरकारी कॉलेज के हिसाब से। जितने भी AKTU के कॉलेज हैं, एकाध दो को छोड़ दीजिए, तो अच्छा ही प्लेसमेंट यहाँ पर होता है। आप सभी को ऑनलाइन प्लेसमेंट लेना होता है यहाँ पर, ऑफलाइन बहुत ही कम प्लेसमेंट होते हैं कंपनियों में, कंपनियाँ यहाँ बहुत कम आती हैं, एकाध दो कंपनियाँ, 3 कंपनियाँ आती हैं, वो भी अच्छे से नहीं। लेकिन आपको ऑनलाइन में अच्छा खासा अमेजन में हायर क्वालिफिकेशन के लिए गेट की रैंकिंग और बाकी इन्वायरमेंट जो है, लाइब्रेरी की सुविधाएँ, वो सब बहुत ही अच्छे से मिलती हैं यहाँ पर। अगर आप पढ़ने का माहौल खोज रहे हैं तो ऋषि सोनभद्र राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज सोनभद्र चुर्क जैसा आपको माहौल तो हमें नहीं लग रहा है कि यूपी के और कॉलेजों में आपको मिलेगा, इतनी सुविधा, इतनी सारी सुविधाएं। यहाँ का मार्केट मैं बता दूं बाहर का, तो आपको रॉबर्ट्सगंज हेडक्वार्टर पे जाना होता है जो यहाँ का मार्केट है फ्रेंड्स। और चुर्क एक छोटा सा मार्केट है जो कॉलेज से सटा हुआ है, 1.5 किलोमीटर दूर है। आप वहाँ जाएंगे आपका डेली प्रैक्टिस बन जाएगा, आप जाइए, मज़ा करिए, एंजॉय करिए, हाइकिंग करिए, आपकी जो भी हॉबी है, इधर उधर कॉलेज, पहाड़ों और पहाड़ों से नेचुरल चीज़ों से लेकर इतना अच्छा घिरा हुआ इन्वायरमेंट है, और बारिश होती है तो क्या ही मौसम होता है, फोटोज़ वगैरह आप ले सकते हैं, क्रिएटिव काम यहाँ बहुत अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम्स भी होती हैं पानी को लेकर। तो यही रही कुछ ऋषि सोनभद्र के बारे में नॉलेज, इसी पर मैं अपने बाड़ी को विराम देता हूँ। थैंक यू दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।